સેલવાસમાં આદિવાસી એકતા પરિષદ દ્વારા વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને સેલવાસ ખાતે રેલી કાઢી પ્રશાસનના વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. સંઘ પ્રદેશ દાદાનગર હવેલી આદિવાસી એકતા પરિષદના અધ્યક્ષ વિનય કોરા સહિતના હોદ્દેદારોની આગેવાની હેઠળ નીકળેલી રેલી મામલતદાર શિક્ષણ વિભાગ તથા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીએ પહોંચી તેમની વિવિધ માંગણીઓનું આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું. और दूसरा डिपार्टमेंट जो है मामलेदार के अंडर में जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आता है, अवैध कब्जा करके कई कंपनियां अपना गरीबों का जमीन हड़प के बैठे, गवर्नमेंट का जमीन हड़प के बैठे, उसके ऊपर सही कार्रवाई नहीं हो रहा है. एजुकेशन डिपार्टमेंट में गलत डोमोसाइल देके उन लोगों को डिग्री कोर्स के लिए MBBS के लिए भेजा जा रहा है. और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे खतरनाक और सबसे सिंसियर अगर बात होगा तो स्मशान की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा करके उधर इंडस्ट्री और उधर अपना प्राइवेट कब्जा करके लिया है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट सोया है, उनको दिखता नहीं, मामलेदार को सर्वे करने को नहीं आता है. आदिवासी एकता परिषद के सामने ये सब नजर आया है, मूलभूत हक गरज, इसलिए आदिवासी एकता परिषद इसके खिलाफ सख्त से सख्त पगला उठाने जा रहा है. हमारे साथ में से दुधनी पटेलात, गलोंडा पटेलात, रांदा पटेलात, नरोली पटेलात, खरड़पाड़ा, दादरा, सिंधोनी, सिली, सायली, पूरी नगर हवेली के कार्यकर्ते आए हैं. हर एक पटेलात के चुने हुए हमारे कार्यकर्ते आए हुए. प्रेसिडेंट आदिवासी एकता परिषद के विनय भैया है, राजेश भाई एक्स प्रेसिडेंट है, नीलेश भाई है, रमेश भाई आए हैं. ये सब हमारे जो नगर पालिका के हमारे कार्यकर्ते हैं, ये सब मिलके हम लोग उसका विरोध करके प्रशासन को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं. आने वाले दिनों में अगर प्रशासन आपकी मांग नहीं सुनता है तो किस तरीके से आगे? अगर आने वाले दिन में प्रशासन हमारी ये मांग, हम लोग गांधी सिंधिया मार्ग से, शांतते से, अहिंसा के मार्ग से हमारे प्रशासन को हम लोग हमारा एक्सप्लेनेशन दे रहे, हम लोग उनको जानकारी दे रहे. अगर उन लोगों ने उसके ऊपर पगला नहीं उठाया, 1 लाख आदिवासी टूक समय में इस रोड पर उतर के पूरा खानवेल जाम, सलवा जाम करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे ये सब कायदा पास करने के लिए.